तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कार्बन के नाइन में बैटरी लो शटडाउन प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कार्बन का सेट है कार्बन के नाइन। और पहले आप लोगों को मैं बैटरी चेक करा देता हूँ कि बैटरी मेरा चार्ज है या नहीं, तो हम लोग लगा देंगे और चेक करते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अपना बैटरी जो है 3.92% चार्ज है, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्ज है। 80-90% के करीब मेरा बैटरी जो है चार्ज है। ये बैटरी देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बार मैं चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, बैटरी कम शटडाउन का प्रॉब्लम जो है आ गया और बंद हो गया। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो हमने यहाँ पे स्क्रैच किया है। आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो स्क्रैच मैंने किया है, शायद आपको सही से नहीं दिख पा रही होगी, बट देख सकते हैं कि कैसी है ये प्रॉब्लम्स और इसे क्रिएट किया, सॉल्यूशन किया जा सकता है बिल्कुल 100%। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ और तब आपको दिखाता हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा स्किप करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे क्लीन कर दिया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अब दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पर जो ये दिख रही है, यहाँ पर ये और ये और ये जो दिख रहा है दो, इसको क्या करना है कि चेक करना है हमें बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे मल्टीमीटर को डालने के बाद एक पॉइंट इस सिरे पे पहले डाल के देख लेंगे। तो देखिए, कंटिन्यूटी मोड पे पहले लगा लेंगे। तो देखिए मेरा बीप का साउंड आएगा, आ रहा है। दूसरे वाले पे डालेंगे, बीप का साउंड आ रहा है। तो अब क्या है, किसका जो इसका जो है कनेक्शन जो किया गया है, अंदर ही अंदर मदरबोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे लाया गया है। आपको मैं दिखा दूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे लाया गया है। यहाँ से ये जो एक और दो दिख रहा है, एक और दो ये वाला सीरीज, यहाँ से वन एंड टू, ये पहले इसको स्क्रैच करते हैं। तो मैं आपको स्क्रैच करके दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा फिर स्किप करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक मैंने स्क्रैच कर लिया है। ये वाला जो पॉइंट है, ये सीरा मैंने स्क्रैच कर लिया है। थोड़ा सा मैं वॉश कर दूँगा ताकि आप अच्छे से देख सकें। और आप अगर देखेंगे अच्छे से तो मेरी गारंटी है, उम्मीद है कि आप 100% इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपका काम बनता है, आपका काम हो जाता है, तो फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम बनता है दोस्तों। तो देखिए, ये एक बीप का साउंड आ रहा है, मतलब एक सिरे से एक पॉइंट सही है, दूसरे सिरे से दूसरे पॉइंट ये भी सही है। बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक की जो प्रूफ है बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा दिक्कत नहीं है। तो अब ये यूट्यूब पर आपको कोई किसी ने नहीं बताया होगा, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, किसी सभी लोग यहीं से यहीं तक ट्रेस करके छोड़ दिए होंगे और उनका सलूशन यहीं से यहीं तक हो गया होगा। तो मैं आगे की ओर बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो थोड़ा सा, फिर भी वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं आप लोगों के कम समय में ज़्यादा बातें सिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका जो लाइनिंग है, आप सही से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी एक लाइनिंग है और यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पे वाटर डैमेज होने के कारण, यहाँ से जब यहाँ पे कार्बन बैठता है तो ये जो हमारा ये मेरा जो ट्रैक है, ये पॉइंट है, ये बीच से गायब हो जाता है ऑटोमेटिक कार्बन लगने की वजह से। तो हमारी ऐसी समस्याएं आने लगती हैं
यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसके अंदर कॉपर की जो कॉपर की जो है कॉपर की पॉइंट होती है और उस पर कार्बन लगने की वजह से ये पतला पतला ट्रैक होती है जो उड़ जाती है, उड़ गई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट जो है मेरा ट्रेस करने पे सॉर्टेड बता रहा है, यानी कि सही है। अब दूसरा पॉइंट वही इस पर डाल के अगर आप नीचे वाले पे डालें तो आपका कुछ भी पॉइंट में नहीं आने वाला, देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पर डालेंगे, यही पॉइंट से अगर आप इस पर डालेंगे तो मेरा बीप का साउंड आ जाएगा और ये इस पर डालने पे नहीं आ रहा है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, नहीं यहाँ से यहाँ तक जम्पर भी नहीं मारना है, बस यहाँ से यहाँ इसको शॉर्ट कर देना है दोस्तों। इसको यहाँ से यहाँ अगर हम लोग शॉर्ट कर दें तो काम बन जाएगा और बिल्कुल फ़ोन ऑन हो जाएगा, आप देख पाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं, अब तो जूम हो गया है। और यहाँ से ये वाले ट्रैक से, ये वाले से यहाँ पे ये वाला जो ट्रैक है इसमें ये दोनों को शॉर्ट कर देना है। ये दोनों को जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे फ़ोन आपका प्रॉपर ऑन हो जाएगा। तो मैं इस दोनों को शॉर्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और याद रहे दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग स्क्रैच करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रेस अगर एक पॉइंट पे आ रहा है तो दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। या अगर दोनों पे नहीं आ रहा है तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको यहाँ से एक ही पॉइंट से जंपर एक उठाना है और बस यहाँ पे आपको मार देना है दोनों को अटैच करके, बस आपका जो काम होगा 100% सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो मैं बताया हूँ ट्रिक, देख पा रहे हैं, सावधानी पूर्वक देखें। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा लेंस में दिखा रहा हूँ, लेंस द्वारा मैं कैमरे से शूट कर रहा हूँ वीडियो को, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे तरीके से वीडियो को दिखा पा रहा हूँ, इतना छोटा सा बारीकी से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। वरना अगर आप नॉर्मल फ़ोनों से इसको देखेंगे तो आपको नहीं देखने में आएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रैच कर दिया है, ये देखेंगे ये हिस्सा में, देखिए यहाँ पे जो शोल्डर पकड़ लिया है वैसी ज़्यादा शोल्डर लग गए हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप सावधानी पूर्वक, जितना सावधानी से स्क्रैच करेंगे उतना सावधानी पूर्वक आपका फ़ोन, उतना ही सावधानी से आप सोल्ड कर पाएंगे और उतना ही सावधानी पूर्वक आप अपना फ़ोन को बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो मारा है, कोई बिना जंपर को ही मैंने थोड़ा सा शोल्डर बढ़ाकर रख दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा हाथ बेस्ट है, मैं शोल्डर बहुत अच्छे से चला लेता हूँ, तरीका बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा प्रैक्टिस है दोस्तों। मैंने बिना जंपर को यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर दिया हूँ सिर्फ शोल्डर से। और आप देख पाएंगे कि यहाँ शोल्डर पकड़ा है बट शोल्डर मैंने छोड़ा दिया है, हटा दिया है, फ़ोन को सॉर्टेड नहीं होने दिया है। और फ़ोन को अब ऑन करके देखेंगे दोस्तों। अगर मेरी, मैं बार बार एक ही बात को मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी एक वीडियो से आपका काम बनता है दोस्तों, तो आपका काम बनता है कि आप एक लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और देख सकते हैं दोस्तों मैं इसे ऑन करूँगा और फ़ोन को, शायद बैटरी सही से नहीं लगा दोस्तों, मैं फिर से बैटरी लगा देता हूँ अच्छे तरीके से। दोस्तों घबराना नहीं है दोस्तों, फ़ोन बहुत ही बारीकी से बनाने की चीज़ें हैं और अच्छे से बनाएंगे। बिल्कुल मेरा फ़ोन प्रॉपर ऑन भी हो चुका है और हमारी बैटरी जो मैंने बोला था कि लगभग 80% के आसपास चार्ज है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमारी बैटरी जो है 80% लगभग चार्ज है। तो हमारी फ़ोन सॉल्व हो चुकी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। लॉन्ग वीडियो हो चुका है फिर भी 10 मिनट का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों,
काम बन जाता है 10 मिनट में आपका। ये ट्रिक आपको यूट्यूब भर में नहीं बताया जाएगा, नहीं बताया गया होगा, और आज मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए यहीं तक ट्रैक करके ट्रेस करके लोग सॉल्व कर लेते हैं, वो जानते हैं कि यहीं तक मेरा प्रॉब्लम है, पहले से ही ट्रेस करके रखते हैं, आपको आगे की नहीं बताते हैं ताकि आप उनसे ज़्यादा ना जान सके। बट मैंने हमेशा, हमें ज़्यादा जानकारी होती है किसी भी इंसान को तो वो बताना नहीं चाहता, बट मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्रेस करें और आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।